पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। बैंक की ओर से ये मैसेज ग्राहकों को भेजा गया है, साथ ही बैंक की ब्रांच के बाहर भी ये निर्देश लिख दिए गए हैं। इसके बाद मुंबई में बैंक की ब्रांच के सामने जोरदार हंगामा शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन RBI बैंक ने साफ कहा है कि PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। RBI की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बैंक बैंकिंग रेगुलेशन की धारा 35A के सब सेक्शन A के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है। PMC बैंक के सभी लेन देन पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका असर खाता धारकों पर भी पड़ने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पर कई बार अनियमितता का आरोप लगा है। बैंक पर खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। RBI का आदेश है कि मुंबई स्थित PMC बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेन देन करने से पहले रिजर्व बैंक से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब साफ है कि RBI से बिना परमिशन कोई भी लोन मंजूर या आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही बैंक अपनी मर्जी से कहीं निवेश भी नहीं कर सकता। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी देने जैसे बेहद जरूरी चीजों में छूट दी गई है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।